हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जाम पास पे। गाइस कैसे हैं आप सभी? आप सभी का हाय प्रेस, हाय पूजा, हेलो लामा सर, हेलो पूजा सिंह मैम, वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। फटाफट आ जाओ। हेलो विवेक, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शुभ संध्या, कैसे हैं दोस्त, क्या हाल चाल है? गाइस आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि दो सेशन सुबह 8:30 बजे डेली करंट अफेयर और रात के 9 बजे बैंकिंग स्टैटिक और करंट अफेयर। सो गाइस आपके दो सेशन होते हैं, दो के दोनों सेशन को आप ज्वाइन करो डेली के डेली। हाय अग्रिमा, गुड इवनिंग बच्चे, हाय संगम सोनी सर, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है संगम भाई? दुकान दौरी कैसी चल रही है भाई आपकी? हेलो मनीष भाई, गुड इवनिंग। मनीष नेगी सर, बहुत दिन बाद दिख रहे मनीष सर, क्या हाल चाल है? दीपक सर, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है सर? सो दीपक सर, अभी क्या हाल है माहौल के भाभी जी? सर काया पलट बैकग्राउंड का, एग्जैक्टली विवेक, थोड़ा सा काला काया पलट किया है बस फ्रंट पेज का और किसी का नहीं। स्टैनी, गुड इवनिंग स्टैनी भाई, निधि मैम वेरी गुड इवनिंग बच्चे, हाय चारुल, गुड इवनिंग बच्चा। आ जाओ गाइस, फटाफट आ जाओ, जल्दी जल्दी सेशन को ज्वाइन करो बिना लेट किए हुए। अच्छा SBI PO कैसा रहा? ओके 62 किया, बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर भी आई होप सो कि अगर एक्यूरेसी रही तो हो जाएगा, कोई नहीं लंबा सर, कोई इशू नहीं है। हाय निहारिका मैम वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? सो गाइस ये इंट्रोडक्शन है, जैसा कि आपको सभी को पता है, जैसे डेली डिस्कस करते हैं। एंड बिटू आते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर, फटाफट जवाब देना शुरू करो। और टाइम आपको दिया गया है, टाइम के अंडर में आपको जवाब देना है विद इन 15 सेकेंड्स। गाइस पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ये, और पहला क्वेश्चन है विच बैंक हैज साइंड अ बिलियन लोन एग्रीमेंट विद जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन बैंक। एंड गाइस टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट जवाब दीजिए। SBI, एक्सिस बैंक, ICICI, HDFC, यस बैंक। और दीपक सर का जवाब आ रहा है SBI। अच्छा चेतन बोले सर कैसा मस्त सा बैकग्राउंड है। ओके चेतन, बैकग्राउंड मस्त हो, इसीलिए थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए। ओके SBI गाइज, टाइम अप, इट्स करेक्ट आंसर इज SBI। एग्जैक्टली गाइज, चारुल, स्टैनी, अनन्या, विवेक, इट्स नॉट ICICI बच्चे, इट्स करेक्ट आंसर इज SBI। गाइज याद करें, SBI ने JBIC जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन इसके साथ टाई अप किया है $600 मिलियन के लिए गाइज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। और गाइस SBI की बात करें, SBI हेडक्वार्टर मुंबई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दिनेश कुमार खरा, इसका टैगलाइन ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, हु हैज वॉन द डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020? एंड टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों। हु हैज वॉन द डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020? गाइस डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड किसे दिया गया? ओके संगू, कोई इशू नहीं है, जवाब दो बस संगू, कमेंट कर दो, दैट्स इट, कुछ भी इसमें दिमाग नहीं लगाना, मेहनत नहीं करना। संगू सी, सतीश मिश्रा साहब। और दीपक सर ओके, विवेक भाई सी, स्टैनी, पूजा जवाब आ रहा है ए, अजय भादो, अनन्या मैम सतीश मिश्रा, ओके चारुल सतीश मिश्रा, सचिंदर लामा सर सी, ओके पूजा, मनीष भाई मिश्रा जी, एग्जैक्टली गाइज, इट्स करेक्ट आंसर इज मिश्रा, यानी कौन? सतीश मिश्रा। गाइज याद करना, सतीश मिश्रा को दिया गया तुलसी, डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड। और नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के मलेरिया पैरासाइट लाइफ साइकिल के लिए गाइस इसको उनको दिया गया, और आप देख सकते हो मिश्रा जी को, सतीश मिश्रा गाइस आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया? गाइस हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया? एंड गाइज जवाब देना शुरू करो। हाय अक्षिता, गुड इवनिंग बच्चे, गाइज 15 सेकंड का टाइम दिया हुआ है, फटाफट। वाइके सिन्हा, ओके किसने जवाब दिया? दीपक सर और संगू बोल रहे हैं ई को ठोक दो सर। निधि मैम डी, तन्मया लाल, ओके ई, संगू ई, चारुल मैम डी, तन्मया लाल, टाइम अप गाइज, टाइम अप, निधि मैम ई, और मनीष भाई, विवेक, सबका जवाब आ रहा है। सो गाइज वाइके सिन्हा, यशवर्धन कुमार सिन्हा गाइज याद रखना, बिमल जुल्का को सक्सीड करके आए, एग्जैक्टली मेरे दोस्तों, सुपर्ब गाइज याद रखना, वाइके सिन्हा बिमल जुल्का को सक्सीड करके आए गाइज याद रखना, ये आप देख सकते हैं वाइके सिन्हा साहब गाइज। नेक्स्ट पॉइंट, हु रोट द बुक नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट? गाइज बेचैन आत्मा की रात, हु रोट द बुक Night of the Restless Spirit? And guys, time start now. फटाफट जवाब दीजिएगा। Who wrote the book Night of the Restless Spirit? और टायरो ई, रामचंद्र गुहा,
संगम ई, दीपक सर बोले सर्वप्रीत सिंह, ओके संगु का जवाब आ रहा है सी, कौन है सर्वप्रीत सिंह, ओके विवेक भाई बी राधा नायर, गाइस फटाफट जवाब दीजिए, हु रोड द बुक, टाइम अप हो गया दोस्तों, इट्स करेक्ट आंसर इज सर्वप्रीत सिंह, गाइस सर्वप्रीत सिंह इज द करेक्ट आंसर गाइस, याद रखना इन्होंने बुक लिखा था नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्प्रिट, गाइस याद रखना नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्प्रिट, एंड गाइस याद रखना सरबजीत सिंह, सर्वप्रीत सिंह रिकाउंटिंग ऑफ द सिख मैसेर के मैसेक, ऐसे याद रखना हत्याकांड, सिख हत्याकांड जो हुआ था 1984 में गाइस, आप देख सकते होंगे सर्वप्रीत यही है सर्वप्रीत सिंह, गाइस हम लोगों ने करंट में डिस्कस किया था, आपको पता होगा इसके ऊपर कहानी भी डिस्कस किया था, क्यों, क्योंकि गाइस आपको याद होगा इसमें क्या हुआ था 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई उनके गार्ड के द्वारा, सो गाइस आपने न्यूज सुना होगा सिख दंगे भड़के, याद है क्योंकि वो जिनका गार्ड था वो सिख ही थे, ठीक है, तो गाइस आपको पता होगा, संजय भाई गुड इवनिंग, गुड इवनिंग कैसे हैं सर आप, आपका स्वागत है दोस्त, गाइस प्लीज सेशन को शेयर कर दो, एक बार सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, सेशन को शेयर करो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलो मेरे दोस्त, हाय सनम कौशल गुड इवनिंग बच्चे वेरी गुड इवनिंग, आ जाओ गाइस, हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डॉक्टर ट्रस्ट, एंड गाइस टाइम स्टार्ट नाउ, और इसका 100% जवाब आना चाहिए क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं गाइस, और हम आपको लिख ले रहे हैं, आपको एक दिन एक ब्रांड एम्बेसडर का सेशन लेके आएंगे गाइस, कल आपका अवार्ड एंड ऑनर के ऊपर सेशन आएगा, ठीक है, कल यानी कि ट्यूजडे आपको आएगा, ट्यूजडे आपका सेशन आएगा अवार्ड एंड ऑनर, हम लिख ले रहे हैं, कल हम डिस्कस करेंगे आपसे कौन सा अवार्ड किसे मिला, और वेडनेसडे को गाइस मिलेगा आपको क्या, तो ब्रांड एम्बेसडर रिलेटेड एमसीक्यूज, ब्रांड एम्बेसडर गाइस याद रखना, ब्रांड एम्बेसडर आपको लेके आएंगे हम ट्यूजडे को, गाइस फटाफट जवाब दीजिए, और रोहित शर्मा एग्जैक्टली गाइस इट्स करेक्ट आंसर इज रोहित शर्मा, डॉक्टर ट्रस्ट, डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रोहित शर्मा, लालीगा क्रिक किंगडम ओकले राइनो डॉक्टर ट्रस्ट, एग्जैक्टली संगू सुपर वेल डन, बहुत अच्छे गाइस, अच्छे आपसे क्वेश्चन ये है, रोहित विथ राइनो, राइनो रोहित विथ राइनो, रोहित विथ राइनो, रोहित शर्मा ने किस 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 चैनल, किस चैनल के साथ मिलकर टाई अप किया है, किस चैनल के साथ मिलकर लॉन्च किया है ये कैंपेन गाइस, ये कैंपेन रोहित विथ राइनो नाम का कैंपेन रोहित शर्मा ने किस चैनल के साथ मिलकर लॉन्च किया गाइस, वो जवाब देना आपको, डॉक्टर या हेल्थ ब्रांड डॉक्टर हेल्थ केयर या रोहित शर्मा, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा डॉक्टर ट्रस्ट, नेक्स्ट पॉइंट, विच कंपनी हैज अनवील्ड देयर फर्स्ट इलेक्ट्रिक बाइसिकल, गाइस टाइम स्टार्ट नाउ, ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने करंट में डिस्कस किया था गाइस, फटाफट जवाब दीजिए ताबड़तोड़ तरीके से गाइस, इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने फर्स्ट टाइम फर्स्ट इलेक्ट्रिक बाइसिकल को अनावरण किया, हीरो होंडा बजाज हार्ले डेविडसन डुकाटी, एंड टाइम अप गाइस, टाइम अप समय समाप्त हो गया, और यहां पे जवाब आ रहा है एनिमल प्लैनेट, ओके फर्स्ट इलेक्ट्रिक बाइसिकल गाइस किसने, हार्ले, संगू का जवाब आ रहा है हार्ले डेविडसन, स्टैनी डी हार्ले डेविडसन, ओके विवेक का जवाब आ रहा है हीरो, ओके विवेक, मनीष भाई हार्ले, गुरुग्राम में प्लांट है, एग्जैक्टली गाइस इट्स करेक्ट आंसर हार्ले डेविडसन, गाइस याद रखना एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, एसबीआई क्लर्क मेंस में जिसमें दीपक सर सिलेक्ट हुए उस एग्जाम में गाइस क्वेश्चन आया हुआ था, हाय आर्या, हेलो बच्चे कैसे हो आप, क्या हाल चाल है, कैसी है बारिश हो रही है क्या बिहार में, गाइस नेक्स्ट पॉइंट, 1903 से पहले मोटरसाइकिल से अब सबसे पहले हार्ले डेविडसन ने आया था, आपको पता होगा ये, आपको पिक्चर दिख रही होगी ये पिक है, नेक्स्ट पॉइंट, पोस्टल शिपमेंट एग्रीमेंट हैज बीन डन बिटवीन विच टू कंट्री गाइस, अच्छा दीपक सर के शिफ्ट में था गाइस, पोस्टल शिपमेंट एग्रीमेंट हैज बीन डन बिटवीन विच टू कंट्री गाइस, इंडिया जापान यूएस, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड सी, एंड टाइम स्टार्ट नाउ गाइस, सोच के जवाब देना, ओके दिल्ली में तो बारिश हो रही है भाई, दबा के बारिश हो रही है, आज तो भीग भी गए पूरे बारिश में, चारुल ई आर्या ई, ओके बोथ ए एंड सी गाइस, सेम क्वेश्चन हम लोगों ने करंट में डिस्कस किया था गाइस, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई, यानी बोथ ए एंड सी गाइस, याद रखिएगा बोथ ए एंड सी, वेल डन अनन्या, सुपर संगू, स्टैनी, इंडिया एंड यूएस गाइस, वेल डन सुपर, नेक्स्ट पॉइंट, आप गाइस यूएस वाशिंगटन डीसी एंड डोनाल्ड ट्रंप, अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो बिडेन कह लो आप, जो बिडेन साहब
एंड गाइज 46 नंबर के प्रेसिडेंट हैं एंड यूएस डॉलर। गाइज आपको पता ही होगा इंडिया के बारे में, नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। धरनी पोर्टल, गाइज धरनी पोर्टल हैज बिन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। गाइज धरनी पोर्टल हैज बिन लॉन्च्ड इन विच स्टेट एंड टाइम स्टार्ट नाउ। गाइज फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। धरनी पोर्टल हैज बिन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? राजस्थान, तमिलनाडु, सिक्किम, गुजरात, तेलंगाना। गाइज तेलंगाना, ओके। सवरम मैम, चारुल, संगम, अनन्या, संजय, निधि, मनीष, वेरी गुड। पूजा, सुपर। लैंड एंड प्रॉपर्टी के लिए एग्जैक्टली संगू, वेल डन बच्चे, बहुत अच्छे बाबू, सुपर। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई, यानी कौन सा? तेलंगाना। गाइज तेलंगाना के सीएम कौन है एंड यहाँ के गवर्नर कौन है? जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया था, चार स्टेटों के गवर्नर जहां पर फीमेल है तो उनमें से गाइस एक कौन है? तो एक आपको याद रखना है, तेलंगाना है मेरे दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, तेलंगाना से आपको जवाब देना है। तेलंगाना में एक फोर्ट का नाम बताओ, एक किले का नाम बताओ। तेलंगाना में एक फोर्ट है, एक किला है, कौन सा किला है? आपको जवाब देना है गाइस। और वन मोर थिंग गाइस, वहां से दो नेशनल पार्क का नाम बताना है, दो नेशनल पार्क के नाम बताने हैं। ओके उत्कर्ष, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट, के चंद्रशेखर राव, सीएम का नाम तो पता ही चल गया, एंड तमिल साइंस सौंदर राजन। गाइस आपको यहां पे दिख रहा होगा नीचे में, बट यहां पे कट वो कवर होगा उससे। सो नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। साई, अ मैसेजिंग ऐप हैज बीन डेवलप्ड बाय हूम? गाइस साई, साई एक मैसेजिंग ऐप है, इनमें से किसके द्वारा विकसित किया गया? हाय पुष्पम, हेलो, क्या हाल चाल है पुष्पम भाई, कैसे हो आप? एंड टाइम स्टार्ट नाउ गाइज, जवाब दीजिए। ओके कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, वेरी गुड, वेरी गुड। महावीर हरीना, अमराबाद का, कासु ब्रह्मानंद, वेरी गुड। चारुल, सुपर। हाय अंकिल, प्रणाम बाबू, हेलो मानसी, वेरी गुड इवनिंग बच्चे। ओके गाइज, वेरी गुड, सुपर। इंडियन आर्मी, वेल डन गाइज, वेरी गुड दोस्तों, लगे रहिए। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इंडियन आर्मी, सुपर गाइज, वेरी गुड, बहुत अच्छे। गुड इवनिंग मानसी, वेरी गुड इवनिंग बच्चे, जवाब दे दिया मैंने मानसी। गाइज इंडियन आर्मी, गाइज इंडियन आर्मी के इस फाउंड कब हुआ था? 1985। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज जनरल बिपिन रावत साहब एंड चीफ इज जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। गाइज याद रखना आप सभी इनके बारे में। एंड टाइम, नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं गाइस, अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों, फटाफट जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन आपके, अरे यार यहां तो कवर हो जा रहा है, ऐसे यहां रखते हैं सबसे बीच में। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC हैज बीन कोलैबोरेटेड विथ विच कंपनी टू एनहांस स्किल्स फॉर एम्प्लॉयबिलिटी फॉर वुमेन? एंड गाइस टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट जवाब दीजिए गाइस, जल्दी जल्दी दोस्तों। सेशन को लाइक कर दो एक बारी, लाइक का बटन प्रेस कर देना मेरे दोस्त, फटाफट जल्दी जल्दी। सर्विस बिफोर सेल्फ, या वेरी गुड चेतन, इज द टैगलाइन ऑफ इंडियन आर्मी। माइक्रोसॉफ्ट, ओके स्टैनी, मानसी, मानसी जवाब दो बच्चे। चारुल, संगू, संजय, निधि, मनीष नेगी भाई, संगम, कैसे सबके कुछ लोगों के जवाब अलग आ रहे हैं, कुछ लोगों के गूगल जा रहे हैं जवाब। गैजेट्स करेक्ट आंसर, हाय अविनाश कुमार सिंह सर, हेलो अविनाश, क्या हाल चाल है भाई, क्या हाल चाल। ठीक है, इट्स करेक्ट आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट गाइज, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट आपको यहां पे दिख रहा होगा, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें। सो गाइज आपको पता होगा NSDC की बात करें, इस मिनिस्ट्री किसके अंदर में है? तो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। गाइज स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, इसकी मिनिस्टर कौन है गाइज? तो याद रखना महेंद्र नाथ पांडे। गाइस आपसे क्वेश्चन ये है मेरे दोस्तों, आपको जवाब देना है, महेंद्र नाथ पांडे साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? गाइस इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? दीपक सर, चंदौली, वेरी गुड, बहुत अच्छे गाइस, चंदौली इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है दोस्तों, आपको याद रखना, चंदौली वाराणसी के बगल में है दोस्त, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, विच कंट्री हैज ऑफर्ड इट्स F-18 नवल फाइटर जेट फॉर इंडियन नेवी? गाइस एंड टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट जवाब दीजिए। विच कंट्री हैज ऑफर्ड इट्स F-18 नवल फाइटर जेट फॉर इंडियन नेवी? गाइस जवाब दीजिए। दीपक सर US, टाइम अप होने की बात हो रही है भाई, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, समय समाप्त हो रहा है दोस्तों, जल्दी जल्दी। विच कंट्री हैज ऑफर्ड इट्स F-18 नवल फाइटर जेट फॉर इंडियन नेवी? गाइस ओके US, लीज पर, चेतन पटवाल का जवाब आ रहा है, लीज पर लिया है। ओके
गाइस अनन्या, संजय, मनी, संगू, चारुल, चेतन, ओके, वेल्डन दीपक भाई, बहुत अच्छे निधि, सुपर मानसी, वेल्डन दोस्तों, इट्स करेक्ट आंसर इज यूएस। गाइस यूएस इज द करेक्ट आंसर, वेल्डन, सुपर। अच्छा बिट्टू, अगर हम आपसे क्वेश्चन करें यूएस और कनाडा को अलग करने वाली लाइन का नाम बताओ, यूएस और कनाडा को अलग करने वाली लाइन का नाम बताओ, चेतन पटवाल हम आपसे उम्मीद करते हैं। यूएस वाशिंगटन डीसी, डोनाल्ड ट्रंप, फिर से जो भी डियन वही होगा, उस समय था यूएस डॉलर। गाइस याद रखना यही है F-18 दिया गया है, नेवल, ठीक है, याद रखना। 48 पैरलर, ओके चेतन, वेरी गुड, सुपर। और 38 डिग्री पैरलर किसके लिए गाइस, 38 डिग्री पैरलर, गाइस 38 डिग्री पैरलर, 48 पैरलर होगा, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, 48 ही होगा या 48 होना चाहिए। और 38 डिग्री पैरलर किसके लिए है, नेक्स्ट पॉइंट, आरोग्य फॉरेस्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी इन विच सिटी गाइस। अच्छा 49 होगा, 38 या 38 है, 38 है गाइस, याद कर, 38 डिग्री पैरलर लाइन किसके लिए है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करता है, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, किम जोंग उन और मून जे इन, इन दोनों लोगों को अलग करता है, या चेतन 49, ओके अच्छा 49 डिग्री गाइस, याद रखना 49 यूएस और कनाडा को अलग करता है, 49 डिग्री पैरलर, ठीक है। एंड गाइस याद रखना 38 डिग्री पैरलर किसको अलग करता है, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया को। गाइस आरोग्य वन गुजरात, सुपर दोस्तों, वेरी गुड, इट्स करेक्ट आंसर इज गुजरात, गाइस गुजरात। अच्छा आपका भी एनटीपीसी का क्वेश्चन ये था कि इंडिया में, इंडिया की सबसे बड़ी कोस्टल बॉर्डर किस स्टेट की है, कोस्टल एरिया किसकी है, सबसे बड़ा कोस्टल एरिया गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। गाइस फटाफट जवाब दो, सबसे बड़ा कोस्टल एरिया किसका है, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। गाइस फटाफट जवाब दो, किसकी कोस्टल एरिया सबसे बड़ी है। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, 145th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कंट्रीज फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क, पॉपुलरली नोन एज जंगल सफारी इन केवड़िया। केवड़िया गांव है गाइस, जहां पर याद होगा आप सभी को, क्या केवड़िया में ही बिट्टू क्या किया गया था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के। द पार्क हैज बीन सेट अप द नियर द 182 मीटर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। गाइस हम इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, डोंट वरी, आप सबको मिल जाएगा वहां पे। सो गाइस आरोग्य वन याद रखना, आरोग्य वन गुजरात, गांधीनगर, विजय रूपानी, आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बायोकॉन इन द लिस्ट ऑफ साइंस कैरियर्स टॉप 20 एम्प्लॉयर्स, एंड टाइम स्टार्ट नाउ गाइस। फटाफट जवाब दो, बायोकॉन के हेडक्वार्टर है बैंगलोर, जवाब देते रहिए दोस्तों जल्दी जल्दी बिना इफबट किए हुए। एग्जैक्टली विवेक, पेन सर्विस भी लॉन्च किया गया, सुपर। गाइस समय समाप्त हो रहा है दोस्तों, जवाब दीजिए फटाफट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बायोकॉन इन द लिस्ट ऑफ साइंस कैरियर्स टॉप 20 एम्प्लॉयर्स। और गाइस बायोकॉन का हेडक्वार्टर है बैंगलोर, गाइस बैंगलोर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बायोकॉन, और हु इज द फाउंडर, गाइस आपको जवाब देना है हु इज द फाउंडर ऑफ बायोकॉन गाइस। और दीपक सर का जवाब आ रहा है सेकंड, मनीष भाई बोल रहे हैं सेकंड, संजय भी सेकंड, बट विवेक बोल रहे हैं नॉट श्योर सेकंड है शायद, स्टैनी सेकंड, निधि मैम ए सेकंड, अनन्या थर्ड। गाइस इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फिफ्थ रैंक है बायोकॉन का साइंस कैरियर्स टॉप 20 एम्प्लॉयर। और गाइस याद रखना 5 ग्लोबल बायोटेक एम्प्लॉयर्स के तौर पर किया जाता है इसको। और गाइस याद रखना किरण मजूमदार सौ गाइस आपको दोस्तों आपको याद रखना है मेरे बच्चों, क्या मजूमदार सौ याद रखना, इनको ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया गाइस, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज वॉन द यंग चाइल्ड एक्ट्रेस अवार्ड एट द लॉस वेगास। गाइस लॉस वेगास में यंग एंड चाइल्ड एक्ट्रेस अवार्ड किसे दिया गया है, एंड टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट जवाब दो। एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला था इनको संगू, एग्जैक्टली सुपर, बहुत अच्छे, किरण मजूमदार सौ का कभी पावरफुल लेडी में आती थी, अभी भी है विवेक टॉप 50 के अंडर में, टॉप 50 नहीं टॉप 100 में आई थिंक। गाइस जवाब दो, हु हैज वॉन द यंग चाइल्ड एक्ट्रेस अवार्ड। गाइस हर्षाली मल्होत्रा, मुन्नी के महाश्वेता, रुहैनिका धवन, रोशनी वालिया या नन ऑफ दीज। गाइस के महाश्वेता, ओके गाइस फटाफट जवाब दो, दीपक भाई, चारुल मैम, स्टैनी, संगू, ओके
या ओके अनन्या मैम टॉप यानी बी, संगम बी, ओके निधि और इट्स बी गाइस, के महाश्वेता, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, के महाश्वेता इज द करेक्ट आंसर गाइस, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा के महाश्वेता, महाश्वेता, यह अवार्ड दिया जाता है दोस्तों लॉस वेगास में। हाय अब्दुल सिनाली सर, हेलो, या एग्जैक्टली अब्दुल भाई, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी गाइस। आज रहमत भाई नहीं दिख रहे हैं, क्या बात है। नेशनल यूनिटी डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे एंड गाइस टाइम स्टार्ट नाउ, सबसे इजी क्वेश्चन आई थिंक। अविनाश भाई बी, आप सबसे लास्ट में जवाब दे रहे हो अविनाश सर, या गुड इवनिंग अब्दुल भाई, गुड इवनिंग, कैसे हैं सर आप, सलाम वालेकुम। नेशनल यूनिटी डे गाइस कितने नंबर का था, एडिशन बताना आपको। दीपक सर ये दिसंबर का भी है और मिक्सअप भी है। अच्छे अच्छे अब भाई अच्छे हैं, 31 अक्टूबर सबको पता है यार, ठीक है। वर्ल्ड सिटीज डे छोड़ो, वर्ल्ड सिटीज, हाँ, कंट्रीज फर्स्ट टायर पार्क विल बी बिल्ट इन विच स्टेट गाइस, देश का पहला टायर पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा, न्यू दिल्ली, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। एंड टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट जवाब दो। वेस्ट बंगाल, वेरी गुड गाइस, सुपर, जवाब देते रहिए, जवाब देते रहिए, जल्दी जल्दी, कमेंट रुकने नहीं चाहिए किसी के। अभिषेक भाई बी, अभिषेक सर क्वेश्चन मार्क नहीं चलेगा दोस्त, आपको यस और नो में जवाब देना, हाँ या ना, एग्जैक्टली वेस्ट बंगाल होगा सर, इट्स करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल। भैया याद रखना, टायर पार्क इंडिया का पहला कहां बनाया जा रहा है, तो वेस्ट बंगाल में, आपको दिख रहा होगा गाइस, ममता बनर्जी, जगदीप धनकर, कोलकाता, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं, विच कंट्री हैज एक्सटेंडेड अ क्रेडिट लाइन ऑफ $1 बिलियन टू सेंट्रल एशियन कंट्री या सेंट्रल एशिया कंट्री, किस देश ने मध्य एशिया के देशों के लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन का विस्तार किया गाइस, फटाफट जवाब दीजिए। विच कंट्री हैज एक्सटेंडेड अ क्रेडिट लाइन ऑफ $1 बिलियन टू सेंट्रल एशिया कंट्रीज एंड टाइम स्टार्ट नाउ गाइस, फटाफट जवाब दीजिए। स्पेयर टायर से बनाया गया, एग्जैक्टली गाइस, विच कंट्री हैज एक्सटेंडेड लाइन ऑफ क्रेडिट लाइन गाइस, क्रेडिट लाइन $1 बिलियन का, समय समाप्त हो रहा दोस्तों, जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। मनीष नेगी भाई इंडिया, दीपक भाई इंडिया, $1 बिलियन का क्रेडिट लाइन किया है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ गाइस, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इंडिया, वेरी गुड, इंडिया ही लग रहा है विवेक, इंडिया ही है बच्चे गाइस। याद रखना 28 अक्टूबर को अफगानिस्तान के साथ, याद रखना अफगानिस्तान के साथ मध्य भारत एशिया वार्ता की बैठक में, ये पढ़ लेना यार हटाओ, ठीक है। अफगानिस्तान गाइस इसमें मेन रोल पे था, सेंट्रल एशियन, सेंट्रल एशियन कंट्री, एशिया कंट्री, याद रखना। सो गाइस अफगानिस्तान, काबुल अफगानी, अशरफ घनी, आपको पता ही होगा इसके बारे में। मालाबार नवल एक्सरसाइज, मालाबार नवल एक्सरसाइज विल बी हेल्ड इन मंथ ऑफ नवंबर एट बे ऑफ बंगाल बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, फटाफट जवाब दीजिए। टाइम स्टार्ट नाउ गाइस, ये आपका पार्ट वन होगा, ये दिसंबर पार्ट वन है गाइस, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री, ये तीन सेशन आपके चलेंगे दोस्तों, आपको याद रखना है, आपको याद रखना, तीन सेशन चलेगा, पार्ट तीन सेशन में आएगा ये करंट अफेयर दिसंबर का, हम आपको डिस्कस कर देंगे, कोशिश करेंगे दोपहर में लेके खत्म करें इसको, ताकि शाम में आपके स्टैटिक अवेयरनेस हो चुके गाइस। ऑल ऑफ दीज एग्जैक्टली बच्चों, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी सभी, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सुपर, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं गाइस, आप देख सकते होंगे यहां पे, नेक्स्ट पॉइंट गाइस, आपको पता होगा यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया तो है ही है अपना, ठीक है। तो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान, नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। हु रोट द फर्स्ट साइंटिफिक कार्टून बुक ऑफ द नेम बाय बाय कोरोना एंड टाइम स्टार्ट नाउ गाइज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है या एग्जैक्टली विवेक, हु रोट द फर्स्ट साइंटिफिक कार्टून बुक ऑफ द नेम बाय बाय कोरोना, डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव, ओके गाइज जवाब दीजिए, जवाब दीजिए,
समय समाप्त हो गया भैया, फटाफट जवाब दो। एंड करेक्ट आंसर इज डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव। सुपर्ब गाइस। ओके, मेरे सरनेम को ठोक दें। ओके या डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव। नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। गाइस, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट किसको बनाया गया। एंड टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों जवाब दीजिए। अरे यार, ये फटाफट जवाब दीजिए। वैभव श्रीवास्तव के रिश्तेदार। अच्छा गाइस, समय समाप्त हो गया भैया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, सबनम, विवेक। गाइस इट्स करेक्ट आंसर इज एदिली सुमारी वाला। गाइस याद रखना, इट्स करेक्ट है, आपको पिक्चर दिख रहा होगा, एदिली सुमारी वाला। टाइटल नाम भी कैसे कैसे रखते हैं यार, बंदा बोल ही ना पाए। नेक्स्ट पॉइंट, विच बैंक विल गो लाइव ऑन द आरबीआई अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। गाइस एंड टाइम स्टार्ट नाउ। ये आरबीआई से रिलेटेड गाइस, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। विच बैंक विल गो लाइव ऑन द आरबीआई अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। गाइस कौन सा बैंक इसमें लाइव होगा आरबीआई अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर। गाइस समय समाप्त हो गया दोस्तों, फटाफट जवाब दीजिए। आईडीएफसी, एक्सिस, इंडसइंड, एसबीआई, एचडीएफसी इंटरनेशनल या मोनाको। मानसी गुप्ता, रोहित राजपूत सर, इट्स करेक्ट आंसर इज इंडसइंड बैंक। मेरे भाई रोहित सर, इट्स नॉट आईडीएफसी। आईडीएफसी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है गाइस? हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईडीएफसी गाइस? और इट्स करेक्ट आंसर इज इंडसइंड बैंक। बिटू आपको जवाब देना है, एक्सिस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एक्सिस बैंक, एक्सिस ब्रांड, एंड हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईडीएफसी? या फटाफट जवाब दो। इंडसइंड बैंक गाइस, इंडस मतलब सिंधु, इंड मतलब भारत, सिंधु भारत, ऐसे याद रखना। सूर्यवंशम, अमिताभ बच्चन साहब, एग्जैक्टली, वेरी गुड, अमिताभ साहब है गाइस। पहली बार इसने अपने आईडीएफसी यानी किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो गाइस वो अमिताभ बच्चन साहब है। सुमन कटपालिया, पुणे, एग्जैक्टली दीपक सर, इंडसइंड बैंक के। और एक्सिस बैंक के हैं दीपिका पादुकोण गाइस, एग्जैक्टली, सुपर। नेक्स्ट पॉइंट, आप देख सकते हो इंडसइंड बैंक का हेडक्वार्टर है पुणे। सुमन कटपालिया, वी मेक यू फेल बेटर इज द टैगलाइन ऑफ इंडसइंड बैंक गाइस। नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज वॉन द ग्लोबल सीएमओ ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड। गाइस हु हैज वॉन द ग्लोबल सीएमओ ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड। गाइस समय शुरू होता है अब, फटाफट जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, जल्दी जल्दी। संग्राम, भावनाओं को कंट्रोल में रख। Who has won the Global CMO of the Year Award 2020? Guys, बेटू प्लीज सेशन को लाइक का बटन ठोक देना गाइस, जल्दी जल्दी। और एक बार सेशन को शेयर कर दो दोस्तों, ताकि लोग जुड़ सके हमारे साथ। गाइस ग्लोबल सीएमओ ऑफ द ईयर अवार्ड इनमें से कौन जीता? समीर निगम, राजेश गोयनका, निकिता पांडे, गीता मंजूनाथ, सोनिया धवन। और यहां पे जवाब आ रहा है समीर का जवाब आ रहा है, संगू का जवाब आ रहा है समीर निगम। और गाइस इट्स करेक्ट आंसर इज राजेश गोयनका। इट्स करेक्ट आंसर इज राजेश गोयनका। गाइस आपको पिक्चर दिख रहा होगा, राजेश गोयनका साहब जीते हैं ये अवार्ड, राजेश गोयनका। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं गाइस। ओके बच्चे, लाइक कर दो बाबू, थैंक यू। जाए गाइस, जिन्होंने लाइक नहीं किया उनके लिए, जिन्होंने कर दिया उनके लिए कुछ नहीं है। ओके, विच क्रिकेटर टू स्कोर 1000 सिक्सेस इन टी20 क्रिकेट। गाइस इनमें से किस क्रिकेटर ने स्कोर किया है 1000 सिक्सेस इन टी20 क्रिकेट में। एंड गाइस टाइम स्टार्ट नाउ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और संग्राम हम आपसे उम्मीद करते हैं, इसलिए संग्राम से उम्मीद करते हैं क्योंकि संग्राम थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं क्रिकेट में। और अभिषेक सिंह सर, क्रिस गेल, और विवेक का जवाब है रोहित शर्मा, दीपक भाई क्रिस गेल, निधि मैम क्रिस गेल, ओके क्रिस्टोफर हेनरी गेल। अरे बस कर चेतन, पूरा घर का एड्रेस दे देगा। गाइस टाइम अप, एंड करेक्ट आंसर इज क्रिस गेल दोस्तों, वेरी गुड, सुपर। ओके चेतन, थैंक यू बाबू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके गाइस आप देख सकते हो थोड़ा हिडिंबा के पड़ोसी लगते हैं ये, ठीक है। सो गाइस क्रिस गेल। नेक्स्ट पॉइंट, विच स्टेट गॉट द स्टेटस ऑफ बेस्ट गवर्न्ड स्टेट बाय पीएसी रिपोर्ट। गाइस पीएसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा मिला है। एंड टाइम स्टार्ट नाउ। बेटू ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और ये आप डिबेट करने के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है।
गाइस किस स्टेट को बेस्ट गवर्न स्टेट का टैग मिला है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला या फिर असम? गाइस जवाब दीजिए। विच स्टेट गॉट द स्टेटस ऑफ द बेस्ट गवर्न स्टेट? अब्दुल सिनाली भाई सी, तमिलनाडु। ओके अग्रिमा सी, संजय भाई एंड चारुल मैम, मानसी, वेल्डन बच्चे, स्टैनी, वेरी गुड, दीपक भाई बहुत अच्छे। गाइस इट्स करेक्ट आंसर इज केरला। आप सब लोग गलत हो, एक टाइम के लिए हम भी कंफ्यूज हो गए थे, बट एग्जैक्टली इट्स करेक्ट आंसर इज केरला। गाइस बेस्ट गवर्न स्टेट का टैग मिला है केरला को, और आपको पता होगा सबसे बेस्ट बेस्ट हेल्थ के लिए भी इसको अवार्ड दिया गया। गाइस यानी कि हाय तानिया मैम, गुड इवनिंग बच्चे, कैसे हो बच्चे? तानिया चौहान मैम, क्या हाल चाल है, आपका स्वागत है बाबू, आ जाओ। हाँ हाउ, गलत हो गया अग्रिमा, लो गाइस इट्स करेक्ट आंसर इज केरला। सबरी माला, के सैलजा, वेल्डन चेतन, के सैलजा मैम, गाइस के सैलजा इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ केरला स्टेट। गाइस केरला को दिया गया केरला तिरुवनंतपुरम, पिनराई विजन आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ अलायंस एयर? गुड, अच्छी बात है तानिया मैम, बहुत अच्छी बात है, अच्छी रहो। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ अलायंस एयर? गाइज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ अलायंस एयर? गाइज अलायंस एयर का सीईओ किसको बनाया गया? टाइम स्टार्ट नाउ। दीपक सर बोल जवाब दे रहे हैं, अच्छे बाबू, बहुत अच्छे हैं तानिया, आपके सामने बाबू। दीपक सर हरप्रीत, ओके आर्या मैम बी हरप्रीत, अब्दुल भाई संगू, संगम, मानसी, कैरी ऑन गाइस, फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों, जल्दी जल्दी। टायरो, ओके अग्रिमा, स्टैनी, इट्स करेक्ट आंसर गाइस, टाइम अप, हरप्रीत सिंह। दोस्तों याद रखना अलायंस एयर का सीईओ बनाया गया किसको? हरप्रीत सिंह को, याद रखना दोस्तों। और पहली वुमेन एवर टू हेड इंडियन कैरियर, पहली महिला है जिनको सीईओ बनाया गया किसी एयरलाइंस का। गाइस आप देख सकते हो कौन, हरप्रीत सिंह। गाइस हरप्रीत सिंह मैम, ये देख सकते हो आप यहां पे। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। एग्जैक्टली दीपक सर, पहली बार किसी महिला को बनाया गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन फिल्म गॉट द बेस्ट ओरिजिनल स्कोर अवार्ड एट 14th एशियन फिल्म अवार्ड? गाइस 14 एशियन फिल्म अवार्ड के लिए बेस्ट ओरिजिनल स्कोर अवार्ड किसे दिया गया? एंड टाइम स्टार्ट नाउ। सुपर 30, महानति, केसरी, गली बॉय, एनटीआर, महानया कुडू। अंकिल बोले हरप्रीत सिंह, नाम कितना अच्छा है। या एग्जैक्टली अब कोसी बात है, और पंजाबियों के नाम तो, फीमेल के नाम तो अच्छे होते हैं, कौर लग जाए तो अच्छा लगता है, पहले तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कौर अच्छा किसी का भी लगा देते हैं, तो बाद में लगा कि नहीं फीमेल ही कौर लगाते हैं एक्चुअली। मेरे एक फ्रेंड है अमनदीप सर, उनको उनकी वाइफ ऐसे नाम है कुछ कौर ही लगाती है, तो मेरे को पता है। ओके या गली बॉय, गाइस इट्स करेक्ट आंसर इज गली बॉय। गली बॉय का हंसी आ रही है मेरे को, इसलिए हरी आ रही है कि इसको गाइस बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, जो लोग बोल रहे हैं इसको गाली भी दे रहे हैं कि वाहियात मूवी को कैसे अवार्ड मिल गया, बट मिला तो मिला है। हाँ एग्जैक्टली चेतन, अमनदीप सर ग्रेड अप वाले, एग्जैक्टली। नेक्स्ट पॉइंट, गली बॉय, अपना टाइम आएगा ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, विच स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हैज इंक्लूडेड ट्रांसजेंडर कैटेगरी इन द एप्लीकेशन फॉर्म? गाइस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों, आपको जवाब दे रहा है विच स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हैज इंक्लूडेड ट्रांसजेंडर कैटेगरी इन द एप्लीकेशन फॉर्म? एंड टाइम स्टार्ट नाउ दोस्तों, जवाब दीजिए। या सवरम बेस्ट जोया अख्तर, गाइस जवाब दीजिए। विच स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, गाइस किस स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन की आवेदन फॉर्म में यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म में ट्रांसजेंडर को ऐड किया गया? गाइस यानी थर्ड जेंडर, गाइस जवाब दीजिए। ओके गाइस इट्स करेक्ट आंसर इज असम। दोस्तों याद रखिएगा, असम ने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में ट्रांसजेंडर के लिए यानी कि मेल, फीमेल एंड गाइस तीसरा ऑप्शन है थर्ड जेंडर यानी कि ट्रांसजेंडर का ऑप्शन दे दिया, यानी कि अब इनकी भी नौकरी लगेगी स्टेट कमीशन यानी कि स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन में गाइस याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट,
आप गाइस देख सकते होंगे यहाँ पे असम दिसपुर सर्बानंद सोनेवाल जगदीश मुखी और अरुणोदय स्कीम एग्जैक्टली चेतन। हाय मीना भाई कैसे हैं? एग्जैक्टली मीना सर एग्जैक्टली इट्स करेक्ट आंसर इज असम। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, इन विच स्टेट अ रेयर स्पेशल टाइप ऑफ टी हैज सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 75,000 पर केजी। बेटू बाप रे 75,000 रुपए पर केजी के हिसाब से चाय किस स्टेट का है दोस्तों? जवाब दीजिए, वहां पर डकैती हो जाए 1 किलो चाय के लिए। अभिषेक सिंह साहब ए सॉरी असम सॉरी स्टैनी संगू चेतन टायरो ओके। चलो भैया फिर से असम आ रहा है तो गाइज असम से आप जवाब दे दो नेशनल पार्क के। गाइज नेशनल पार्क के नाम बता दो असम से। और बेटू हमने आप इट्स करेक्ट आंसर इज असम। गाइज हमने आपको बताया था असम का ट्रिक क्या था, व्हाट इज द ट्रिक ऑफ असम, नेशनल पार्क के ट्रिक क्या थे। गाइज जवाब दीजिए फटाफट, नेशनल पार्क का ट्रिक क्या था असम का? ऐसे आखना हमने डिस्कस किया था मानस गर्म पानी की तलाश में, मानस गर्म पानी की तलाश में ठीक है असम के ओरंग के, ऐसे याद रखना गाइस। तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, असम इज द स्टेट, ओरंग एंड राजीव गांधी, ये सब गाइस याद रखना, काजीरंगा। सो बेटू ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं, 75,000 पर केजी की चाय, बाप रे ठीक है। सो गाइस याद रखना ये चाय पत्ती आप देख सकते होंगे यहां पे। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं, सोच के थोड़ा टेंशन होता है नहीं, ऐसी चाय हम तो सुन के रहे पीने की कौन हिमाकत करेगा। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं, विच टाइफून हिट्स द फिलीपींस रिसेंटली। गाइस इनमें से किस टाइफून ने फिलीपींस को भी हिट किया? एग्जैक्टली आर्या वेरी गुड, हम देख रहे थे आर्या का जवाब नहीं आया। एंड टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट जवाब दीजिए, टाइफून फिलीपींस को हिट किया है दीपक भाई और संगू का जवाब आया है चेतन ओके, धोनी का भाई गोनी ओके, संगू गोनी ने हिट किया, संजय भाई, मीना सर, स्टैनी, निधि मैम, मनीष भाई, अंकिल, अब्दुल साई, वेरी गुड सुपर, इट्स करेक्ट आंसर इज गोनी। गाइस इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, गोनी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। या टाइफून गोनी वहां पे आया था याद करना, फिलीपींस की कैपिटल इज, गाइस फिलीपींस में एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे गाइस? फिलीपींस। कैपिटल इज मनीला, पेसो रोड्रिगो डुटर्टे इज द प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। एंड गाइस वन मोर थिंग, आपको एक चीज और याद रखनी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेड कौन है? मसासुगुआसाकावा, मसासुगुआसाकावा गाइस आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं, राइथु वेदिका प्रोग्राम। गाइस राइथु वेदिका प्रोग्राम हैज स्टार्टेड इन विच स्टेट? गाइस राइथु वेदिका प्रोग्राम हैज स्टार्टेड इन विच स्टेट? एंड टाइम स्टार्ट नाउ गाइस, राइथु वेदिका प्रोग्राम रामन मैक्सिस से अवार्ड एशियन नोबेल के तौर पर जाना जाता है जो फिलीपींस के द्वारा ही दिया जाता है। आर्या जब यहां दिल्ली में थी तब तो नहीं बनाई। सैस्त्री वेरी गुड सैस्त्री सुपर गाइस, तेलंगाना ओके, कुछ लोगों के जवाब आ रहे हैं, सैस्त्री ने जवाब दिया तेलंगाना ओके बच्चे। एंड गाइस इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी तेलंगाना, सुपर गाइस वेल डन। तेलंगाना कैपिटल इज हैदराबाद, के चंद्रशेखर राव एंड गाइस तमिल साई सौंदर राजन इज द गवर्नर, सुपर गाइस वेल डन सुपर वेरी गुड। ब्रह्मानंद रेड्डी इज द नेशनल पार्क इन सिचुएटेड इन कहां पे? तेलंगाना में गाइस, राइथु वेदिका। नेक्स्ट पॉइंट आपको देख सकते होंगे, हैदराबाद तमिल साई कौशोंदर राजन, के चंद्रशेखर राव इज द सीएम। नेक्स्ट पॉइंट, फनी बॉय गाइस, फनी बॉय मूवी विल रिप्रेजेंट विच कंट्री एट द 2021 ऑस्कर अवार्ड? गाइस या फनी बॉय, गाइस फनी बॉय मूवी एंड टाइम स्टार्ट नाउ। बेटू ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, फनी बॉय मूवी विल रिप्रेजेंट विच कंट्री एट द 2021 ऑस्कर अवार्ड? गाइस यूके, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों जल्दी जल्दी, समय समाप्त हो गया भैया फटाफट। एंड करेक्ट आंसर इज कनाडा, सुपर चेतन भाई बहुत अच्छे, फनी बॉय कैनेडियन मूवी है, इट्स करेक्ट इन कनाडा, कनाडा की कैपिटल इज ओटावा एंड 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 करेंसी इज डॉलर, कैनेडियन डॉलर। एंड गाइस हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा?
हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा? गाइज आपको जवाब देना है हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा। गाइज कैनेडा को मिनी पंजाब का टैग दिया गया है, कैनेडा को मिनी पंजाब का टैग दिया गया है बिकॉज ऑफ, रीजन ये है क्योंकि सबसे ज्यादा वहां के पार्लियामेंट में गाइज कौन बैठते हैं, तो इंडियन कैनेडियन बैठते हैं गाइज, भारतीय मूल के जस्टिन ट्रूडो। वेल डन चेतन भाई, बहुत अच्छे। दीपक सर ओके, अभिषेक सिंह, विवेक, या एग्जैक्टली संगू, सुपर, जस्टिन ट्रूडो। गाइज याद रखना जस्टिन ट्रूडो इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कहां के, सो कैनेडा। गाइज याद रखना, ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन, जापान के हैं आपको पता होगा सुगा, सुगा साहब, ऐसे याद रखना सुगा जापान में लेके जाएंगे। जो बिडेन यूके, बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना कैनेडियन डॉलर गाइज, ये मूवी है फनी बॉय, फनी बॉय। वड़ा का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में, वेल्डन संगू। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर गाइज यहीं पर है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज वॉन द टाइटल फॉर वुमेन्स आईपीएल T20 एडिशन, महिलाओं के आईपीएल 2020 के संस्करण का प्रायोजक, स्पॉन्सरशिप किसको मिला है, ड्रीम इलेवन, DLF, वीवो, जियो या पेप्सी। एंड टाइम स्टार्ट नाउ गाइज, जवाब दीजिए दोस्तों। सेशन को लाइक कर देना मेरे भाई, फटाफट एक बार सेशन को हिट कर देना, लाइक का बटन हिट कर दो ताकि बस मोटिवेशन हाई रहे, दैट्स इट, और क्या, कुछ खास मिलना नहीं है। ओके सुपर, वेरी गुड, वेरी गुड गाइज, वेरी गुड। सैश्री इट्स नॉट ड्रीम इलेवन बच्चे, इट्स करेक्ट आंसर इज जियो, या सुपर, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन जियो। गाइज याद रखना जियो इज द करेक्ट आंसर बच्चे। बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया गाइज, हेडक्वार्टर मुंबई, एंड 39 प्रेसिडेंट सौरव गांगुली, जिनका बाईपास अभी सर्जरी हुआ है एक्चुअली में, थोड़ा कुछ हार्ट का इश्यू था आई थिंक, सो आई नो क्या, आई थिंक आप लोगों को पता होगा एग्जैक्टली। सीन कॉनरी गाइज, सीन कॉनरी हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज रिलेटेड टू, गाइज सीन कॉनरी का भी हाल ही में निधन हो गया, वह इनमें से किससे संबंधित थे, एक्टर, क्रिकेट, पॉलिटिक्स, F1 रेस, फुटबॉल। गाइज एंड टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट जवाब दीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी, यहां पे जवाब तो आ ही गया यार, एक्टर। समय समाप्त हो गया भैया लेकिन आ गया, इट्स करेक्ट आंसर इज एक्टर गाइस, सीन कॉनरी एक्टर थे, या जेम्स बॉन्ड वाले गाइस, याद रखना जेम्स बॉन्ड 90 साल की एज थी इनकी, जेम्स बॉन्ड में रह चुके हैं और आप देख सकते होंगे सीन कॉनरी, या नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं गाइस। हु हैज बीन अपॉइंटेड, गाइस ये इसके बाद एक और क्वेश्चन है, बस उसके बाद शांत हो जाएंगे, नहीं 2 मिनटों से, 7 मिनटों से ये क्लासेस एंड कर देंगे, ओके डोंट वरी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सीईओ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, एंड टाइम स्टार्ट नाउ गाइस। ये आपका पार्ट वन है बच्चों, पार्ट टू हम लेके आएंगे जब, तो अनाउंस करेंगे पार्ट टू एंड गाइस पार्ट थ्री, आपके 3 पार्ट में कंप्लीट कराएंगे हम दिसंबर मंथ। सो गाइस आप अब पैनिक नहीं होना, आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा एक जगह, ठीक है। सैश्री ऑप्शन ए, प्रदीप श्रीवास्तव, इलेक्ट्रॉनिक स्किल काउंसिल गाइस, गाइस पीवीजी मेनन, इट्स करेक्ट आंसर इज पीवीजी मेनन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, पीवीजी मेनन इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ठीक है। याद रखना इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ने पीवीजी मेनन को सीईओ अपॉइंट किया गाइस, याद रखना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपना, ये आपको देख सकेंगे पीवीजी मेनन भैया, याद रखना इनका नाम पढ़ने लगोगे बड़ा लंबा नाम जाएगा, कौन इतना करेगा, इट्स पीवीजी मेनन साहब। या हु हैज बिकम द मोस्ट अंपायरिंग अंपायर इन ODIs गाइस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है डिबेट के लिए भी और एग्जाम के लिए भी, एंड टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट जवाब दीजिए गाइस। हु हैज बिकम द मोस्ट अंपायरिंग अंपायर इन ODI गाइस, हु हैज बिकम मोस्ट अंपायरिंग अंपायर, जवाब दीजिए। फटाफट आलिमदार, ओके पाकिस्तान आलिमदार, सुपर सुपर सुपर, बहुत अच्छे, वेरी गुड, इट्स करेक्ट आंसर इज आलिमदार।
सुपर गाइस, आपको पिक्चर दिख रहा होगा यहाँ पे अलीमदार साहब यही है। सो गाइस आज के लिए फिलहाल इतना ही, एंड आई होप कि आपको ये सेशन मजेदार लगा होगा। सो बेटू थैंक यू, और प्लीज सेशन को लाइक कर दो आप सभी, जल्दी जल्दी लाइक का बटन हिट कर देना, एंड गाइस सब्सक्राइब कर देना जो नहीं किए हैं चैनल को, और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना ताकि लाइव नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे गाइस। अब बेटू कल सुबह 8:30 बजे करंट डेली करंट अफेयर के साथ मिलेंगे, और रात में 9 बजे मिलेंगे हम आपको गाइस कल अवार्ड एंड ऑनर के साथ। कल गाइस मजेदार सेशन होने वाला है अवार्ड एंड ऑनर का, कौन सा रेसन का अवार्ड किसको दिया गया गाइस, ठीक है। सो बेटू फटाफट आना, डेली करंट अफेयर में तो आना ही आना, सुबह में मॉर्निंग में, और अवार्ड एंड ऑनर में ही ज्वाइन करना गाइस। तब तक लिए हम आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सबा खैर, और आप सभी अपना ख्याल रखना, फिर से मिलेंगे कल, थैंक यू, बाय।